कहीं भी कुछ जरूरत पड़ती है तो हमें आप अपने से आगे पाएंगे। आप हमें चुन ही क्यों रहे, इसीलिए तो चुन रहे कि आपके आगे हम खड़े हों। कभी भी कोई कमी नहीं पाएंगे। आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपके साथी हूँ। आप विश्वास रखिए, सेनापति जैसा है वैसे ही सैनिक बनकर दिखाऊंगी, इस बात का आपको विश्वास दिलाती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वीवन जनकपुरी। आज यहाँ पे आए हैं और वेट कर रहे हैं मिलने की मिसेस कमलजीत सहरावत, बीजेपी की एमपी प्रत्याशी पश्चिमी दिल्ली से। आज उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। आगे की हाल तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शॉर्ट टाइमिंग पे और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग इस स्थान पे पहुंचे हैं। आज की ये मीटिंग हमने जो रखी है, ये बेसिकली मीट एंड ग्रीट है। हमारे जो लोकसभा प्रत्याशी हैं बहन कमलजीत जी सरावत, उनसे आपके परिचय के लिए और उनकी भी जो मन की बात है, ताकि आप लोग और हम लोग भी जान सके कि उनका क्या प्लान है हमारे लिए या हमारे आने वाले टाइम के लिए। लोकसभा का जो ऑफिस होता है उसका चार्ज है मेरे पास, ये चौथी बार होगा, 9, 14, 19, 24। एक स्पेशलिटी बन जाती है कि नहीं तुम तो आ जाओ, बाकी तो बात नहीं देखेंगे, तुम आ जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। वैसे तो मोदी जी ने पूरा देश में हंगामा मचा रखा है पूरा, और सभी लोग मुझे उम्मीद है उन्हीं को वोट देंगे सभी। आप लोग फिर भी जो है मेहनत से पीछे ना रहे, ये ना सोचे कि हमारी वोट तो पक्की है सब, हम तो आराम से रेस्ट करें, तो ये ऐसा नहीं करें प्लीज। मैं ये चाहूंगा सभी लोग मिलजुल के आपस में इस काम को करें और अपने कैंडिडेट को कमलजीत जी को जिताए। जय श्री राम। हेलो, और अमरजीत जी मैं तो हम टोक रहे हैं, मेयर हमेशा मेयर रहता, पूर्व शुरू नहीं होता बड़ी खुशी हुई आज सारी जनकपुरी की क्रीम देख के। और अजो चेहरे नजर आ रहे हैं कि जिन्हों का आशीर्वाद हमेशा कमल दे फुलते हैं। मैं अपनी गल करना किसी जी, मैंने जिते जनकपुरी के अंदर जब मैं जितया सी कभी भी कोई मैं तकरीबन मेरा ख्याल ज्यादा जो लोग नहीं जानते, लेकिन कमल के फुल जानते हूँ भी थोड़ी जी वोटा पूरी है, लेकिन सब तो ज्यादा वोटा बी ब्लॉक तो पी है। ये सारे भावों के सदके साडा फर्ज बनता है कि पिछली बार जे ये सीट असी 6-6.5 लाख वोटा तो जीती सी, इस बार ये सीट असी 8 लाख वोटा पर जीती है। तो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद गुलाटी साहब का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप का जो विश्वास है वो पूरा सत्य होगा। ये डी ब्लॉक की जो टीम बैठी है, टिकट हमेशा नाले पार से मिलती है मैं कहूंगा, लेकिन जो मार्जिन है, जो जीत है वो यहाँ से दर्ज होती है। चाहे कैंडिडेट अपने घर से हार जाए, लेकिन हमारे यहाँ से हम हारने नहीं देते। हमने तो सारे टीम बैठे, रामगोपाल कपूर जी बैठे हैं, सुरेश भाई बैठे हैं, राजेंद्र गुप्ता जी बैठे हैं, अनूप मित्तल जी बैठे हैं, हम लोगों ने तो तकड़ी को भी जिता के भेजा हुआ है यहाँ से। तो ये एक आप सबकी हमारी एक जुटता है कि हम कमल हमारे पास किसी भी रूप में आ जाए, चाहे तकड़ी में आ जाए, हम हमेशा उसको जिता के भेजते हैं। 9 साल पहले कोई चुनाव नहीं हुआ था, मेरा पहला चुनाव था, और महिलाएं जो थी ढूंढने से मिलती नहीं थी। पार्टी में हम 2 महिलाएं होती थी वेस्ट दिल्ली में, एक उषा भाटिया और एक कमला भाटिया। और ये जो बच्चे हैं नरेंद्र जी हो, जिन्होंने अपने हाथ से पोस्टर लगाने, पर्चियां लिखनी, गुलाटी जी इनको मैं निकाला, अब ये मेरे सारे बच्चे हैं, तो मैं तो इनको अपने परिवार, मोदी जी तो बहुत लेट परिवार का है, लेकिन मैंने तो बहुत पहले कह दिया था कि ये मेरा सारा परिवार है। और आज भी मैं कभी काउंसलर के नाम से नहीं कही गई। पहले मुझे सारे बच्चे कहते थे बहन जी, मैडम मैडम, फिर आंटी आंटी, और अब तो फिर दादी कहना कब कब लेगा। माधीपुर में एक अधिवेशन किया था, उसमें हमारे महापात्रा जी आए थे, तो उन्होंने कहा था अगर मदर टेरेसा बन सकती है तो हमारी कमला मल्होत्रा भी भारतीय जनता पार्टी की मदर टेरेसा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम
हमारे बीच में हमारे हरदिल अजीज जनकपुरी की जान रहे और आज भी जिनके जिनको याद किया जाता है उनके कामों के लिए प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, डॉक्टर प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि वो हमारे बीच में आए हैं और अपना कीमती समय यहाँ पे आके दिया है। मुखी जी माता की आज इस बी ब्लॉक के गेट टुगेदर ही कहूंगा मैं। बी ब्लॉक को हमने कभी अलग समझा ही नहीं, हालांकि वो विधानसभा पॉलिटिकली हमसे अलग हो गई और मुझे वो लड़ाई भी याद है मुखी जी कि जब इसको अलग किया गया तो ताल कटोरा स्टेडियम में एक मीटिंग थी, हम लोग बड़े जोर शोर से उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन लेकर के वो एक जो कमेटी थी उसके आगे हमने अपना पक्ष भी रखा, लेकिन वो शायद पहले से तय था, कुछ चीजें ऑलरेडी सब हो चुका था, उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। लेकिन हमने कभी वो पॉलिटिकली जरूर एक विधानसभा अलग हुई, लेकिन हमने कभी अपना भाईचारा, अपनी दोस्ती, अपनी मित्रता कभी नहीं छोड़ी। कहीं भी सुख दुख में हमेशा हम लोग इकट्ठे रहे और यही हमारा सबका धर्म है, उस धर्म को हमने खूब निभाया है। वैसे ही मैं तारीफ क्या करूं हमारे डॉक्टर जगदीश मुखी जी की, उनका भी पॉलिटिकली वो सिस्टम से उसमें से अलग हुए, मतलब कि वो विधानसभा अलग का रिप्रेजेंटेशन उनके जिम्मे आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अलग नहीं समझा। जिस भी काम को लेकर के आया अगर संभव हुआ तो उसके लिए पूरी तत्परता से, पूरे विश्वास से, पूरे प्रभु को उसको अर्पित करके कि इसका भी काम कर देना और मेरी लाज भी रख लेना कि ये मेरे पास लेकर आया है राजू अलमारी वाला, तो इसका काम हो जाए नहीं तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं, है ना। और हमारी जो भी सांसद बनने वाली हैं, मैं उनके बारे में भी आपको विश्वास से कह सकता हूं कि वो भी हमारे कामों के लिए भी और प्रेम प्यार से बहुत ही मीठा बोलती हैं, आदर भाव वाली हैं, उनके घर भी जाएंगे तो भी आपको वैसा ही भाव मिलेगा और काम करने में भी उनकी मास्टरी है, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए। ये हो सकता है कि किसी की जान पहचान डायरेक्ट थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन निश्चिंत रहिए उनसे जो भी रूबरू होता है वो खुश होकर ही आता है। फिर से कहूंगा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जनकपुरी बी ब्लॉक के मेरे सभी प्यारे साथियों, बहनों, भाइयों, बहुत ही लंबे अंतराल के पश्चात आप सब लोगों के दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्यशाली मानता हूं। मित्रों, इधर उधर की बात ना करके जिस मुद्दे के लिए एकत्रित हुए हैं, राजनीति की बात करता हूं। जनकपुरी एक एंटिटी रही है, जनकपुरी फेडरेशन का पूरे दिल्ली के अंदर नाम रहा है, 14 एसोसिएशन एफिलिएटेड थी, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, BF ब्लॉक, चंद्रनगर और नारायणपुर, ये 14 ब्लॉकों की एक फेडरेशन जिसका नाम था पूरे दिल्ली के अंदर। कुल मिलाकर के जनकपुरी का ताना बाना इस प्रकार का बना गया था कि जनकपुरी का अपना नाम पूरे दिल्ली के अंदर एसोसिएशन फेडरेशन के नाम से लड़ाई लड़कर के सारे काम कराने की शुरुआत की थी। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जनकपुरी को हमने दिल्ली की नहीं हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ कॉलोनी विकसित किया है, मैं उसे आंकड़े देखकर के आपको बताना चाहता हूं। पहली कॉलोनी है हिंदुस्तान के अंदर जिसे हम ड्रेनलेस कॉलोनी कहते हैं, एक भी ओपन ड्रेन कहीं पूरे जनकपुरी के अंदर नहीं रहने थी और कहीं ऐसा मिलेगा नहीं आपको कभी। बिजली, पानी, सीवर, सड़क इसी के आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं, किंतु ये हमने बहुत पहले यहां पर सारे काम पूरे कर दिए। कमल जी, आपसे ये जानकारी शेयर कर रहा हूं, आप सौभाग्य से इस समय ऐसे क्षेत्र में हैं और यहां पर हमें 70% से लेकर 90% वोट मिला है, 70% पे पोल वोट का 70% 90% पूरे बी ब्लॉक, ये सारी क्रीम है जनकपुरी के बी ब्लॉक के। और मैं समझता हूं एक बार आप इनके सामने मुखातिब हो जाते हैं तो आपको दोबारा चुनाव के लिए कम से कम इनके पास आने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको फिर जिताने की तो गारंटी है। हमारे बीच में
हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन कमल जी जी सहरावत हमारे बीच में है। बहन जी में आपको डी ब्लॉक की ये पूरी टीम है और इन्होंने आंधी तूफान बारिश झाड़ू को कभी यहाँ चलने नहीं दिया और सारे आपके कार्यकर्ता है और ये ऐसी टीम है कि कभी आपसे ज्यादा अपेक्षा नहीं रखेगी, फिर और अपेक्षा यही रखेगी आदर मान सत्कार और आपके पास जाए तो आप इनको पहचाने और प्यार से बिठाए, काम हो ना हो लेकिन एक प्यार से आपने कह दिया कि बेटा हो जाएगा भैया मैं ट्राई करूंगी, बस इतना ही आपसे चाहते हैं। मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे मार्गदर्शक दिल्ली भाजपा के शीर्ष नेता और लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर इतना ही लंबा जितना हमारा जीवन है उतना लंबा मुखी जी का पॉलिटिकल और प्रोफेशनल पूरी हिस्ट्री है और अपने आप में जिस भी रूप में गए हैं वहीं पर झंडा गाड़ कर आए हैं और वो मेरे भाई भी हैं। तो ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री जगदीश मुखी जी, मेरे बड़े भाई ने आपके पीछे मेरी रिपोर्ट कार्ड रखी है तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि एक साल बाद मेरी रिपोर्ट कार्ड आप दोबारा दीजिएगा मेरे व्यवहार की, वो यही लेंगे। और दो साल बाद दीजिएगा मेरे काम की, क्योंकि काम होने में थोड़ा समय लगता है तो जो मैंने काम कह दिया वो हो जाएगा का मतलब हो तो जाएगा लेकिन एक टाइम बाउंड है कितने टाइम में होगा, लेकिन मेरे व्यवहार को विश्वसनीयता को आपको जांचने में मैं एक साल का समय दे रही हूँ लेकिन अगले दो महीने के अंदर ही आप इनको रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे, ऐसी मैं मोदी जी की गारंटी की तरह गारंटी ले रही हूँ। मैं तो उत्तम नगर में पैदा हुई हूँ, बहुत संघर्ष करके हम लोग आगे बढ़े हैं और जब आगे बढ़े हैं तो उसमें दो ही चीजों ने काम किया, मेहनत और आशीर्वाद। तो मैं आगे अगर मुझे बढ़ना है तो मैं मेहनत करूंगी, आपसे आशीर्वाद लूंगी, इस बात में आप विश्वास रखिए मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। जनता ये जानना चाह रही है कि जिस संसदीय क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रही हैं क्या वहाँ मोदी जी आएंगे या कमल जी सहरावत की अपनी कोई गारंटी होगी? मोदी जी अपनी गारंटी 10 साल के कामों में काम पूरा करके दे चुके हैं। मेरे क्षेत्र में द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ, 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, हमारे पर UER2 बन रहा है, पूरी वेस्ट दिल्ली के लिए दोनों चीजें लाइफ लाइन है, लाभार्थी में समृद्धि योजना विश्वकर्मा योजना कितने ही गरीबों को लोन दे चुके हैं। कुछ और ना आता हो हमको हमें प्यार दिखाना आता है।